तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपका क्लॉक टेस्ट या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं घड़ी परीक्षण। और घड़ी परीक्षण में दोस्तों हमने जो क्या क्या करा दिया था, यानी फुल जो इसका वैसे कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका क्लियर करा दिया था। इसके साथ साथ जो भी दोस्तों आपकी कंडीशन बनती है, वो आपके समकोण हो या फिर अतिव्यापन हो या फिर दोस्तों आपकी विपरीत वाली स्थिति हो, वो भी दोस्तों आपका जो है दोस्तों क्लियर करा दिया है। उसके अलावा दोस्तों आपका विपरीत जो है आपके क्या, कौन सी सुई जो है कब किसके विपरीत होगी, और उसके अलावा दोस्तों हमने क्या करा दिया है, जो भी आपका कोण जो है दोस्तों, हो सकता क्या होता है कि आपको कोई भी कोण दे देगा और आपसे समय पूछ लेगा, या फिर आपसे कोई भी समय दे देगा और कोण पूछ लेगा। तो ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी टाइप मैंने दोस्तों बिल्कुल क्लियर करा दिया है। उसके अलावा आज जो है दोस्तों एक स्थिति जो दोस्तों होती है वो होती है आपकी मिरर इमेज, यानी कि दोस्तों आपकी मिरर इमेज, यानी कि दोस्तों आप जो इमेज या फिर जो है दोस्तों आप किसको कहते हैं आपका दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, जो भी दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, जो आज के बाद जो है दोस्तों आपको बिल्कुल जो है दोस्तों कंफ्यूज नहीं करेगा बिल्कुल जो है दोस्तों। मैं आपको जो है दोस्तों बेसिक से बता देता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों क्या होता है, कोई भी शीशा होता है कांच, उसमें दोस्तों अगर जो आप जो है दोस्तों देखते हैं, अगर आप जो है खुद को ही देख लो, यानी कि दोस्तों आप अगर आपके सामने जो दर्पण रखा हुआ है तो दोस्तों इसमें जो आप देखें तो आपका राइट हैंड जो दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा और लेफ्ट हैंड जो है दोस्तों वो आपको राइट हैंड दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो है आपकी स्थिति जो है दोस्तों चेंज हो जाती है दर्पण में, यानी कि प्रतिबिंब में। तो क्या होता है कि जब आपसे कोई भी जो है क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि दोस्तों आपसे बोलेगा कि बताइए किसी भी दोस्तों आपकी घड़ी है, घड़ी का जो है दोस्तों आपका समय जो दोस्तों हो रहा है वो आपका 6:15 हो रहा है, यानी कि दोस्तों कोई भी घड़ी है 6:15 जो है दोस्तों इसका टाइम हो रहा है। अगर इस टाइम को दोस्तों हम जो है अगर आपका जो है दोस्तों आपके दर्पण में देखें, यानी कि दोस्तों आपके मिरर में देखें, तो दोस्तों ये जो टाइम जो होगा वो एक्चुअली में दोस्तों आपका नजर जो आएगा वो कितना आएगा, ऐसे जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमको दोस्तों एक रूल जो है दोस्तों आपका एक ट्रिक जो है दोस्तों याद रखनी होती है, यानी कि दोस्तों आपका घड़ी में समय जो होगा वो आपका दो प्रकार से होगा, यानी कि दोस्तों पहले तो होगा आपका 1 से लेकर 11 तक, और 11 से लेकर आपका 1 तक हो सकता है, यानी कि दोस्तों आपसे पूछेगा कि या तो आपसे 1 से लेकर 11 के नीचे पूछ लेगा, या फिर 11 से ऊपर, यानी कि 11:30, 11:40, 12:45, 12:20, यानी कि दोस्तों ऐसे जो है पूछ लेगा। तो जब दोस्तों आपका समय जो है दोस्तों अगर आपका 1 से 1 और 11 के बीच में अगर दोस्तों आपका समय हो, यानी कि 1 और 11 के बीच में दोस्तों आपका समय हो, 1 से लेकर 11 तक जो है दोस्तों आपका समय हो, तो हमको क्या करना होगा दोस्तों आपकी 11:11:60 जो होता है दोस्तों इसमें से जो है दोस्तों हमको माइनस कर देना है, इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर जो है निकल करके जो है दोस्तों आ जाएगा। और यदि दोस्तों आपका ऐसा ना हुआ, यानी कि दोस्तों हो सकता है कि कभी कभी जो है क्या होता है दोस्तों आपका पूछ ले कि दोस्तों बताइए कि 11:20 पर कितना ये जो आप दर्पण में देखें तो कितना दिखेगा, या फिर दोस्तों हो सकता है आपका कि बताइए 12:15 पर दर्पण में देखें तो दोस्तों कितना जो है समय होगा, यानी ऐसे जैसे जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों आते हैं। तो पहले जो है दोस्तों देख लेना है हमको 1 से लेकर 11 तक, तो इसको जो है दोस्तों मैं हटा देता हूँ, 1 से लेकर दोस्तों हमको पहले जो है 11 तक देखना है लेना है। तो दोस्तों ये जो है 11 के अंदर में है तो दोस्तों हमको जो क्या करना होगा 11:11:60 में से जो है दोस्तों इसको माइनस करना होगा, माइनस करें तो दोस्तों ये जो आएगा आपका 45 आएगा, ये जो दोस्तों आएगा 5 आएगा, यानी कि दोस्तों दर्पण में हम जो जब इसको देखें तो दोस्तों ये जो समय जो है रियल में जो दोस्तों आपको दिखेगा वो दिखेगा 5:45 जो है दोस्तों हम मिरर में देखें दर्पण में देखें तो समय जो है दोस्तों हमको नजर आएगा। और यदि दोस्तों आपको जो है आपसे जो है दोस्तों बोल ले, यानी कि दोस्तों ये जो है दोस्तों अगर आपसे बोल रहा है कि बताइए कि किसी भी घड़ी में 7:20 हो रहा है दोस्तों, और इसमें दर्पण में देखें तो कितना नजर आएगा, तो दोस्तों हमको जो है 11:60 में से माइनस करना होगा, माइनस करें तो दोस्तों ये जो आपका 40 आएगा, उसके अलावा ये जो आएगा आपका 4 आएगा दोस्तों, 11:60 करें तो दोस्तों आपका 4, तो दोस्तों आपका घड़ी में अब जो है दोस्तों आपको समय दिखेगा वो आपका 4:40 दिखेगा, आपको दोस्तों क्लियर जो है दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि दिख रहा है। उसके अलावा दोस्तों और भी जो है कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बनते हैं ये, या फिर दोस्तों आपको कभी कभी जो है जो है दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि किसी भी घड़ी में जो है दोस्तों आपका 10:50 हो रहा है, तो दोस्तों ये जो मिरर में देखे तो कितना होगा, तो दोस्तों क्या करना है 11 के बीच में 11 से नीचे, तो दोस्तों आपको 11:60 में से दोस्तों इसको माइनस करना है, माइनस करें तो दोस्तों आपका 10 आएगा,
10 मिनट होने के साथ साथ आपका 11 में से 10 घटाएं तो दोस्तों आपका एक आएगा, यानी कि अब जो है दोस्तों घड़ी में आपका जो दर्पण में देख रहे हैं तो घड़ी का जो समय जो दिखाई देगा दोस्तों वो देगा आपका 1:10, जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल जो है दोस्तों क्लियर हो गया कि दोस्तों आज के बाद जो है दो मिरर इमेज से जो भी क्वेश्चन उठेगा तो दोस्तों आपका कट जो है दोस्तों नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों मिस नहीं होना चाहिए। अब जो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि यदि समय जो है दोस्तों आपका ऐसे हो, यानी कि दोस्तों बताइए कि 11:40 में दोस्तों आपको दर्पण में दिखे तो कितना समय दिखाई देगा, या फिर दोस्तों आपसे पूछ लेगा यानी कि बताइए कि 12:35 पर कितने जो है दोस्तों समय दिखाई देगा ये जो आपको दर्पण में दिखे तो, या फिर दोस्तों हो सकता है आपका आपके बताइए आपका जो है 12:50 ये जो समय है दोस्तों ये जो आप दर्पण में दिखे तो कितना नजर आएगा, ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, ये जो आपका 11 से 1 के बीच में दोस्तों यदि टाइम पूछे तो दोस्तों हमको जो है 11:60 में ऐसे नहीं घटाना होता है, आपको घटाना होता है दोस्तों आपका 23:60, यानी कि जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए 23:60 में ऐसे जो है दोस्तों हमको माइनस कर देना होगा तो रियल टाइम जो है दोस्तों निकल करके जो आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करना होगा हमको, इसमें से जो है दोस्तों आपका ये जो आपका समय है 11:40 ये जो 11 से ऊपर है और 1 से नीचे यानी 11 और 1 के बीच में है, तो दोस्तों हमको इसमें से जो है दोस्तों माइनस करेंगे आपका 11:40 दोस्तों माइनस कर दें, माइनस कराएं तो दोस्तों आपका 20 मिनट आएगा, 3 में से जो है दोस्तों 1 जाएगा तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि दोस्तों रियल समय जो आएगा दोस्तों वो आपका निकल करके जो है दोस्तों आ गया है आपको दिख रहा होगा 12:20। और यदि आपसे जो है दोस्तों ऐसे पूछ ले, इसको जो है दोस्तों मैं बता दूं यानी कि दोस्तों आपसे पूछ ले यानी कि बताइए कि 12:35 पर जो है दोस्तों कितना जो है समय दिखाई देगा, तो इसमें से जो है इसको घटाएं तो दोस्तों 25 आएगा, 2, 1 और 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 11:25 जो है रियल टाइम जो है दोस्तों हमको दिखाई देगा आपके घड़ी में जो आप मिरर में देखें तो दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके, आपको पता चल गया दोस्तों कि यदि समय जो है दोस्तों आपको कैसे जो है दोस्तों दिया हुआ था 1 से लेकर दोस्तों आपके 11 के लिए दोस्तों आपको आपको क्या करना होता है 11 से 11:00 आपके दोस्तों आप 60 मिनट में से जो है दोस्तों आपको माइनस कर देना है उस समय को जो समय जो है दोस्तों आपको दिया गया है। यदि 11 से लेकर दोस्तों आपका 1 के बीच में यानी कि 11 से ऊपर तो दोस्तों आपको 23:60 में से माइनस कर देना है उस समय जो है दोस्तों आपसे पूछा है, और ये जो है दोस्तों आप माइनस करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों बिल्कुल जो है दोस्तों गलत नहीं होगा, क्वेश्चन जो है दोस्तों बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल सही होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एग्जाम में जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं जो है 4 से 5 एग्जाम्पल जो है दोस्तों आपके सामने जो है दोस्तों सॉल्व भी करा देता हूँ, यानी कि दोस्तों आप बिल्कुल जो है दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपसे कोई भी जो है दोस्तों आपको समय पूछे यानी कि बताइए दोस्तों कि आपके बताइए कि 2:00 दोस्तों आपके 25 मिनट जो है मिरर में हो रहे हैं, यानी कि 2:25 जो है किसी भी घड़ी में रियल टाइम जो है दोस्तों इतना जो है दोस्तों आपका बज रहा है, 2:25 जो है दोस्तों बज रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो समय हो रहा है। अब जो है दोस्तों आपसे मिरर में पूछे तो दोस्तों मिरर के लिए हमको क्या करना होता है 11:60 में ऐसे जो है दोस्तों हमको माइनस करना होगा, माइनस क्या करना होगा ये जो दोस्तों आपका 2:00 दोस्तों आपका 25 मिनट जो है दोस्तों माइनस कर देंगे तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये जो हो जाएगा वो आपका 35 हो जाएगा। उसके अलावा ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा यानी कि 9:35 जो है दोस्तों समय होगा आपका मिरर में यानी कि घड़ी में देखेंगे दोस्तों तब। अब जो है दोस्तों हो सकता है कि दोस्तों आपसे पूछ ले यानी कि दोस्तों बताइए कि 10:00 दोस्तों आपका 40 मिनट में दोस्तों कितना जो है समय दिखाई देगा आपका दर्पण में, यानी कि दर्पण में जो है दोस्तों इसको देखें और घड़ी में जो बज रहा है 10:40 हो रहा है तो दोस्तों कितना दिखाई देगा, तो दोस्तों हमको जो है इसको क्या करना हुआ यानी कि 10:40 को जो है इसको इसमें से जो है दोस्तों आपका माइनस करना हुआ, ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं माइनस करें तो दोस्तों ये जो आएगा आपका 20 मिनट आएगा 1:00, यानी कि दोस्तों 1:20 जो है दोस्तों आपका समय होगा आपका दर्पण में देखें तब। ये तो हो गया दोस्तों आपके 1 से लेकर 11 तक, यानी कि दोस्तों अगर आपके अब भी जो समझ में नहीं आया है तो 1 और 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, यानी कि बताइए कि दोस्तों आपके 6:30 जो है दोस्तों आपको कितना टाइम दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको 11:60 जो है दोस्तों आपको माइनस कर देना है, यानी कि दोस्तों आपका 6:30 तो दोस्तों ये जो होगा आपका 30 मिनट होगा, और ये जो 5:00 यानी कि 5:30 जो है दोस्तों आपको दिखाई देगा, 6:30 की जगह पर 5:30 जो है दोस्तों दिखाई देगा। अब जो दोस्तों आपका समय जो होता है दोस्तों वो आपका 11 से ऊपर होता है, यानी 11:15 11:40 या फिर दोस्तों आपका 12:40 यदि 1 तक होता है, यानी कि दोस्तों 11 से लेकर आपका 1 तक। अगर दोस्तों आपका 11 का एग्जांपल देख के बताऊँ यानी कि दोस्तों किसी भी घड़ी में यदि 11:30 दोस्तों हो रहा है
तो दोस्तों हमको 11:30 में से नहीं घटाना होगा, आपका 23:60 में से जो है दोस्तों घटाना होगा। इसको जो अब दोस्तों हम जो है घटाएंगे दोस्तों, ये जो 30 मिनट आएगा दोस्तों आपका 30 मिनट, उसके अलावा ये जो आएगा दोस्तों आपका 12 आएगा, यानी कि 12:30 दोस्तों आपको जो है क्लियर जो है दोस्तों दिख रहा होगा। ये जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसे जो है पूछे जाते हैं, और या फिर दोस्तों कोई भी समय है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है आपकी 12:40 जो दोस्तों आपका हो रहा है, ये जो दोस्तों 12:40 किसी भी घड़ी में दोस्तों टाइम हो रहा है, यानी कि दोस्तों इतना जो दोस्तों बज रहा है। अब जो है दोस्तों बात आती है कि अब जो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो है आपका, अगर दोस्तों इसको जो है मिरर में देखें तो कितना दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो समय है इसको जो है दोस्तों आपको 23:60 में से जो है दोस्त 23:60 में से जो है दोस्तों आपको माइनस कर देना है, तो ये जो आंसर जो है दोस्तों निकल आएगा, आंसर जो दोस्तों आएगा वो आएगा दोस्तों आपका 15, और इसमें से जो है दोस्तों इसको घटाएं तो यानी कि 11:15 जो है दोस्तों आपका रियल टाइम जो है दोस्तों हो रहा है मिरर में देखेंगे तो दोस्तों आपका जो घड़ी है। तो दोस्तों आपको मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको आज के बाद जो है दोस्तों आपको बिल्कुल जो है दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके जो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके मिरर इमेज को लेकर। और अगली जो दोस्तों हमारी जो है क्लास रहेगी इसमें दोस्तों आपके जो भी इसके तीनों यानी सभी फॉर्मेट को मिलाकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, उनको जो है दोस्तों मैं सॉल्व करा दूंगा। ये जो है दोस्तों आपको एक बार और दोस्तों बता दूं, यानी 11 से लेकर 11 तक है, तो दोस्तों आपको 11:60 में से जो है दोस्तों आपको माइनस कर देना है। उसके अलावा दोस्तों यदि आपसे जो पूछे कि 11 से 1 के बीच में, तो दोस्तों आपको क्या करना है 23:60 में से जो दोस्तों माइनस कर देना है, तो आपका रियल टाइम जो दोस्तों दर्पण में देखेंगे तो वो समय जो दोस्तों निकल करके जो आ जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जो है दोस्तों आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बिल्कुल जो है दोस्तों ये क्लास जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर दोस्तों ये जो हमारा कंटेंट जो है दोस्तों हमारी स्टडी जो है दोस्तों आपको बिल्कुल थोड़ा भी दोस्तों अगर पसंद आता है, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।